अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैगम इब्राहिम और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा ये प्लान है कि मैंने अपने लव बर्ड्स को और बाकी पैरट को ना यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे शिफ्ट करने का मकसद ये है क्योंकि वहाँ से ना वो देखिए पत्ते वगैरह हिल रहे हैं। अच्छी है बात ये है, अंदर जो है ना ज़रा गर्मी वगैरह भी लग रही है। उस साइड से ना धूप भी आती है तकरीबन, काफ़ी तेज़ धूप होती है। 800 लाख शुक्र नहीं निकली हुई, तो मैंने ये सोचा यहाँ से जहाँ से ज़मीन है ना यहाँ से लेके ऊपर तक ना वहाँ ऊपर तक मैं एक शेड लगवा दूँ ताकि ना उनको गर्मी वगैरह भी ना लगे। तो हमारे घर ना एक बिल्ली आती थी, उसको हम ना कभी कभी मीट वगैरह डालते थे तो ना वो हमारे घर की सर्दी में आती थी, हमारे घर की ना पक्की हुई। फिलहाल तो वो नहीं आई, लेकिन जब उसने देखा है ना कि यहाँ पे बर्ड्स आ गए तो उसने फ़ौरन यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि आपको तो पता है बिल्ली और बर्ड्स की इतना अच्छा रिलेशनशिप है। तो यही कि वो उसने फ़ौरन पहुँच जाना है। और जो हमारे लव बर्ड जो बाकी सारे पैरट्स हैं ना वो यहाँ पर जब केज लगाए तो ना बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं केज के साथ, बिल्कुल ना जो जाली होती है ना उसके साथ चिपक के सो रहे होते हैं। तो अगर वो अटैक करने की कोशिश भी करती है ना, अगर वो अटैक पे नहीं अपना वो सक्सेस हो सकता तो अगर उसने पंजा भी मार दिया ना तो माइल्ड ओवर जख्मी हो सकते हैं, उनको ना नुकसान हो सकते हैं और वो इसी वजह से ना वो फिर मर भी सकते हैं। दोस्तों बिल्ली के भी ना दो रास्ते हैं, एक नहीं दो रास्ते हैं, उसकी बड़ी उसकी किस्मत खुली है। एक यहाँ से आ सकती है और दूसरा इस जगह से, ये पाइप वगैरह से। ये दो रास्ते बिल्ली के पास इससे बहुत ईजिली आ सकती है। पहले भी दो तीन दफ़ा आई थी यहाँ पर ना, उसका हमने मतलब छटा वगैरह किया था आगे सो जाती थी, लेकिन अब हमें खतरा हो रहा है। दोस्तों ऑलिव जब आया था तो आप लोगों को पता ही था कि अल्लाह की तरफ से एक मेहमान आया है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि मेल है कि फीमेल है। इसका डीएनए भी नहीं हुआ था, इसका जो रिंग होता है पाँव में वो भी नहीं था। तो हमने बाबा ने कुछ निशानियाँ को बाबा को कुछ पता था कि ये निशानियाँ होती हैं तो ये मेल होता है फीमेल होता है, इसका जेंडर ये होता है। तो जेंडर इसका हमें पता चल गया। अब हमने ये सोचा कि हम इसकी फ़ीमेल लेके आते हैं, फिर हम गए इसके लिए लेमन लेके आए। तो स्टार्ट में तो हमें लगा कि दोनों फीमेल्स हैं, दोनों आपस में लड़ेंगी, मतलब यार कि ना आपस में लड़ रहे थे, हमें टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मेल्स हैं फीमेल्स हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऑलिव का तो हमें लग रहा था कि मेल है, लेकिन आगे से ना लेमन का हमें पता नहीं था। वो अंकल ने भी कहा था कि फ़ीमेल है, हमने भी उनकी बात पर यकीन कर लिया था, अंकल जरा अच्छे थे इसी वजह से। तो अब इनकी अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है, आपस में लगे रहते हैं ये। तो मतलब अब पहले ये होता था ना कि एक ऊपर है एक नीचे है, फिर दूसरा ऊपर है एक नीचे है, इस तरह का ही होता था। तो हमें होता था कि ये पता नहीं हमारे साथ कोई ऐसा ना हो जाए कि हम दोनों मेल ले आए हैं या फिर दोनों फीमेल ले आए हैं और आपस में लड़ ही जा रहे हैं। तो अब जाके ना बिल्कुल सेट है। दोस्तों ये देखिए हमारा माशाल्लाह कैस्पर कितना नीट एंड क्लीन हो गया। जब हम लोग इसको लेके आए थे तो इसकी ज़रा कटिंग हुई हुई थी, ट्रिमिंग हुई हुई थी फैदर्स की, और इसकी जो टेल थी वो भी थोड़ी सी टेढ़ी थी और लेंथ में ज़रा छोटी थी। लेकिन अब देखिए इसकी जो टेल है वो लंबी भी हो गई है और बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। ये देखिए यहाँ तक आ रही है इसकी टेल। तो यही ना कि ये भी सेट हो गया और इसके जो मेरे ख्याल से फैदर्स है फिर चेंज कर रहा है और इतना वो नीड नहीं था जब हम उसको लेके आए थे। पहले ज़रा डर गया था लेकिन हमने इसके ऊपर ट्राई भी नहीं की। अभी मैंने इसको ना वो साउंड इफेक्ट्स लगाए हुए थे फ़ोन पे और इसको सुना रहा था तो ये ना बड़ा वो एक्टिव हो गया था एकदम से कि पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है। दोस्तों हमारे रेमबोज भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी इनका ही नाम रखा हुआ था, इसमें सब का नाम रखता है। तो यही कि ये भी सेट है। अब ये इनके दो मेल्स लड़ते हैं, फीमेल्स भी कभी कभी लड़ लेती हैं जब मूड होता है तब। तो इनकी जो फैदर्स है ना एक दो के मैं देख रहा था कि ना ज़रा ख़राब हुए हैं, वो मेरे ख्याल से जो दो मेल्स हैं ना उनके ख़राब हुए हैं क्योंकि आपस में लड़ते हैं ना इसी वजह से। अब वो चारों इधर होके बैठे हुए हैं कि पता नहीं मैंने इनको क्या कर देना, वीडियो बना रहा हूँ ना मैं इसी वजह से, इधर ये आए हुए बैठे हुए हैं। मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अभी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बारिश भी आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी से अच्छी बने और आप लोग बोर ना होए। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जिन्होंने तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आप लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।